I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. Yeah, this legacy, you gon' see what's left of me. हेलो बच्चों, आप लोगों को फिर से स्वागत है आप लोगों का ब्यूटीफुल सा चैनल लूसिफर यूनिवर्स ऑफ फिजिक्स में। कौशिक शाह, हम लोग आज डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस फॉर अपकमिंग एग्जाम जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन के चैप्टर के ऊपर बना है। तो मेरे ख्याल से अकॉर्डिंग टू मी दोस क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो अगर वीडियो में कोई भी तकलीफ होती है या कोई डाउट होता है तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो या वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हो। तो ठीक है, ज्यादा बात नहीं करते, शुरू करते हैं आज हम लोगों का क्वेश्चंस। मैं थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस भी कर दूंगा और इस क्वेश्चन का अगर आप लोगों को मतलब थ्योरेटिकली आंसर चाहिए तो मेरा जो प्रीवियस वीडियोस है पार्ट वन से लेके पार्ट टेन तक, वहां पर आप लोगों को सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो फिलहाल मैं मार्क वन का कुछ क्वेश्चन दे देता हूं। वन नंबर क्वेश्चन, ऑन व्हाट प्रिंसिपल ए रॉकेट वर्क, ऑन व्हाट principle, on what principle a rocket work, a rocket work, ठीक है। रॉकेट जो है वो कौन सी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो इसका आंसर क्या होगा, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, कैसे, जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था कि रॉकेट जो है वो पीछे से जो बर्न गैसेस है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करता है और उसका रिएक्शन थ्रू वो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, रॉकेट पीछे से जितना मोमेंटम से उसका फ्यूल को एक्सप्लोड करके बाहर की तरफ धक्का देता है और उसी मोमेंटम से वो आगे की तरफ चला जाता है। इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करने से मान लेते हैं कि रॉकेट का जो मास है वो कैपिटल है एम है और रॉकेट का जो वेलोसिटी है वी है और गैस का स्मॉल एम और स्मॉल बी। तो बर्निंग से पहले मतलब रॉकेट ऑन होने से पहले तो दोनों का वेलोसिटी है जीरो, तो दोनों का मोमेंटम होगा जीरो। तो कोलिशन या एक्सप्लोशन या रॉकेट का स्विच ऑन से पहले दोनों का टोटल मोमेंटम है जीरो। फिर हम लोग यहां से एम वी इक्वल्स टू माइनस एम वी कर सकते हैं और वी इक्वल्स टू माइनस एम वी बाय एम, मतलब ये होगा रॉकेट का वेलोसिटी। तो कौन से मोमेंट कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसका यहाँ पर नेगेटिव साइन जो है वो क्या इंडिकेट करता है कि गैस का वेलोसिटी जिस तरफ होगा रॉकेट का वेलोसिटी उसका ऑपोजिट होगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं गैस जाता है पीछे की तरफ और रॉकेट जाता है सामने की तरफ। ठीक है, तो इस प्रिंसिपल में बेस करके रॉकेट जो है वो काम करता है। ठीक है, वन मार्क के लिए इतना ज्यादा लिखने का जरूरत नहीं, सिर्फ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लिखने से हो जाएगा। फिर जो क्वेश्चन आता है, व्हाई बॉल पेयरिंग्स आर यूज इन मेश, बॉल बियरिंग क्यों यूज होता है मशीन पे, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर
बॉल बेयरिंग क्यों यूज होता है? टू रिड्यूस फ्रिक्शन, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। जैसे कि हम लोगों को पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। एक है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होता है रोलिंग सॉरी ज्यादा होता है रोलिंग फ्रिक्शन से, मतलब रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन कम होने के कारण से हम लोग क्या करते हैं, बॉल बियरिंग्स यूज करते हैं उसको फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। तो वन मंथ के लिए इतना आंसर काफी है, टू रिड्यूस फ्रिक्शन। और थर्ड, व्हाई डू वी स्लीप इजीली ऑन ए रेनी डे, व्हाई डू वी स्लीप ऑन ए रेनी डे। रेनी डे पे हम लोग क्यों स्लीप कर जाते हैं? क्यों रेनी डे पे क्या होता है, जो हम लोगों का जो सॉइल है या हम लोगों का जो फ्लोर है वो बारिश के वजह से हम लोगों को उतना रिएक्शन मतलब उतना रिएक्शन फोर्स जितना कि हम लोग पैर से फ्लोर में करते हैं एक्शन, वो उतना रिएक्शन हम लोगों को नहीं मिल पाता। क्योंकि वहां पर रेनी डे पे क्या होता है, फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है, तो उसके वजह से हम लोग स्लिप कर जाते हैं। ठीक है, हम लोग को नेसेसरी फ्रिक्शन जो है वो नहीं मिलता, इसलिए हम लोग स्लिप कर जाते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? बिकॉज वी कांट गेट नेसेसरी फ्रिक्शन, बिकॉज वी कांट गेट नेसेसरी फ्रिक्शन फ्रॉम रोड और फ्लो। ठीक है, और फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या होगा, ऑन व्हाट फैक्टर्स डस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड, ऑन व्हाट फैक्टर्स कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो क्या क्या चीज के डिपेंड होता है? ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, हम लोग को पता है फ्रिक्शन जो है प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल टू साइन हटाने के लिए हम लोग को एक कॉन्स्टेंट चाहिए, वह पर हम लेते हैं म्यू, उसी को बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू इक्वल्स टू एफ बाई आर। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंडेंट है? आर के ऊपर, मतलब नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर। और एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट है, और वो है हम लोगों का नेचर ऑफ द सरफेस। तो इसका आंसर होगा नेचर ऑफ द सरफेस एंड नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नेचर ऑफ द सरफेस के ऊपर कैसे डिपेंड होता है? जैसे कि गैस, गैस में जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी कम होगा। लिक्विड लिक्विड पे जो फ्रिक्शन है वो गैस से थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा होगा। फिर जो है सॉलिड सॉलिड पे फ्रिक्शन ज्यादा होता है, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का चार क्वेश्चन। फिर देखते हैं पांचवा सवाल। पॉइंट नंबर क्वेश्चन जो है, विच इज मोर स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, विच इज मोर
स्लाइडिंग फिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन। ये तो मैंने पहले ही बोला है कि कौन सा वाला ज्यादा होता है, हम लोगों को तो पता है कौन सा वाला होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन सिक्स नंबर राइट वन डिफरेंस, राइट वन डिफरेंस बिटवीन इंपल्स ऑफ ए फोर्स, इंपल्स ऑफ ए फोर्स एंड इंपल्सिव फोर्स। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, इंपल्स ऑफ ए फोर्स और इंपल्सिव फोर्स का वन डिफरेंस या टू डिफरेंस पूछने से क्या करना है, हम लोगों को दोनों का डेफिनेशन देना है, फिर दोनों का एग्जांपल दे देना है या यूनिट दे देना है, तो हम लोग का टू और थ्री डिफरेंस जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो इंपल्स ऑफ ए फोर्स क्या है, इंपल्स ऑफ ए फोर्स है फोर्स इनटू टाइम। ठीक है, इंपल्स ऑफ ए फोर्स है जिसको हम लोग डिनोट करते हैं आई से, वो होता है फोर्स इनटू टाइम। मतलब कोई फोर्स अगर कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ देर के लिए काम करता है तो इंपल्स ऑफ ए फोर्स होगा उस फोर्स और जितना टाइम के लिए वो काम किया है उस टाइम का मल्टीप्लाई, तो आई इक्वल्स टू एफ इंटू टी। और इंपल्सिव फोर्स क्या है, इंपल्सिव फोर्स है लार्ज फोर्स एक्टिंग अप ऑन ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। बहुत ही बड़ा है फोर्स जब कम समय के लिए काम करता है तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इंपल्सिव फोर्स। एग्जाम्पल क्या होगा, इंपल्सिव फोर्स का एग्जाम्पल है जैसे फुटबॉल का हम लोगों ने किक मारा, बैट और बॉल का जो कोलिशन होता है। और इंपल्स ऑफ ए फोर्स का क्या होगा, जैसे कि मान लो कोई कार है जिसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया है हम लोगों ने 5 न्यूटन 1 आवर के लिए, तो इंपल्स ऑफ ए फोर्स क्या होगा, 5 × 1 या 5 × 60 मिनट। ठीक है, हो गया, ये हो गया कुछ 1 मार्क का सवाल। अभी देखते हैं 2 मार्क। ठीक है, 2 मार्क का क्या क्या मुझे इंपॉर्टेंट लगा है वो मैं बोल देता हूं। व्हाई गन रिक्वेल बैक व्हेन इट बीइंग फायर, why gun being recoil back when fire, why gun being recoil back when fire। गन से जब जो बुलेट निकलता है तब गन recoil back मतलब उल्टी तरफ क्यों चला जाता है, हम लोग का क्वेश्चन क्या है, जब हम लोग गन से फायर करते हैं तब अगर बुलेट सामने की तरफ जाता है तो गन पीछे की तरफ क्यों धक्का देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्यों, मान लेते हैं बुलेट का जो मास है वो है स्मॉल एम और बुलेट का वेलोसिटी है स्मॉल वी और गन का है कैपिटल एम और वेलोसिटी है कैपिटल बी, तो फायरिंग से पहले दोनों का वेलोसिटी जो है वो था 0 क्योंकि दोनों जो है वो था रेस्ट पे, गन भी था रेस्ट पे बुलेट भी था रेस्ट पे, तो दोनों का जो टोटल मोमेंटम है कोलिशन से पहले या फायरिंग से पहले 0। फिर फायरिंग के बाद बुलेट चला गया स्मॉल बी पे और गन हो गया कैपिटल बी का वेलोसिटी इसको मिल गया। ठीक है, तो इन दोनों प्लस करने से देखो 0 होता है, फिर एम वी इक्वल्स टू माइनस एम वी, फिर कैपिटल वी इक्वल्स टू एम वी माइनस एम, दैट मीन्स जो गन है वो उसका कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगा जो हम लोगों को वी से डिनोट किया है हम लोगों ने, और नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट
बुलेट जिस तरफ जाएगा गन उसका ऑपोजिट में जाएगा, ठीक है। तो क्यों रिक्वायर करता है, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और उसको दूसरी तरफ करने से जो गन है वो बुलेट के ऊपर एक्शन करता है और बुलेट जो है वो गन के ऊपर रिएक्शन करता है। इस रिएक्शन फोर्स की वजह से जो गन है वो पीछे की तरफ आ जाता है, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन होगा, डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन coefficient of friction and angle of repose, ठीक है, angle of repose। तो पहले हम लोगों को समझना है कि एंगल ऑफ रिपोज क्या है। एंगल ऑफ रिपोज क्या है, कोई भी एक इंक्लाइंड प्लेन मान लेते हैं जिसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट हम लोगों ने रखा है, तो एंगल ऑफ रिपोज है उस इंक्लाइंड प्लेन का वो एंगल, वो मैक्सिमम एंगल जिस एंगल पे ये ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे रहेगा। मतलब अगर इस एंगल को हम थोड़ा भी इंक्रीज करते हैं तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये वो मैक्सिमम एंगल है जिसपे ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा, या फिर इसको और मॉडिफाई करके बोलने से कि ये वो एंगल है जिसपे वो मिनिमम एंगल है जिसपे ये ब्लॉक जो है वो अपने आप मोशन पे आ जाएगा, मतलब नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो इसका अगर मास हम लोगों ने एम मान लेते हैं तो जो वेट है वो एम जी नीचे की तरफ काम करेगा। ब्लॉक अगर नीचे की तरफ आता है तो ऑपोजिट में फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा और नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ काम करेगा। ये थीटा होने से ये थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो इसका इक्विलिब्रियम और स्टेबिलिटी कंसीडर करने से, क्योंकि ब्लॉक जो है वो रेस्ट पे है, तो इसका हम लोग अगर इक्वेशन लिखते हैं तो आर इक्वल्स टू होगा एम जी कॉस थीटा और फ्रिक्शनल फोर्स एफ होगा एम जी साइन थीटा। तो वन डिवाइड बाय टू करने से एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय एम जी कॉस थीटा इक्वल्स टू एफ बाय साइन थीटा बाय साइन थीटा क्या होगा टेन थीटा इक्वल्स टू एफ बाय आर, और थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एफ बाय आर। यही हम लोगों का रिलेशन कोफिशियंट ऑफ ये हो गया हम लोगों का थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एफ बाय आर। और एफ बाय आर क्या होता है, एफ बाय आर होता है हम लोगों को थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स मी, क्योंकि हम लोग पहले भी देखा है एफ इक्वल्स टू आर म्यू इक्वल्स टू एफ बाई आर। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था म्यू इक्वल्स टू एफ बाई आर, तो एफ बाई आर की जगह पर क्या लिख सकते हैं हम लोग म्यू। दैट मीन्स एंगल ऑफ रिपोज होता है थीटा और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू, तो इन दोनों का बीच का रिलेशन क्या होगा थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगा है मुझे, मीन्स क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, वाई पैसेंजर why a passenger falls backward when a bus suddenly starts moving
starts moving in forward direction. ठीक है, why a passenger falls backward when a bus suddenly starts moving in forward direction. जब बस suddenly चलना शुरू कर देते हैं तब पैसेंजर्स क्यों पीछे की तरफ झुक जाता है. ठीक है, पीछे की तरफ चला जाता है क्योंकि ये होता है हम लोगों का जो है इनर्शिया की वजह से. ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, ये तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है. इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो हमेशा रेस्ट पे रहना चाहता है, और इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है, जो ऑब्जेक्ट मोशन पे है वो हमेशा मोशन पे ही रहना चाहता है. तो ये दो हो गया हम लोगों का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और इनर्शिया ऑफ मोशन. तो क्या होता है, बस जब पहले रेस्ट पे था तब बस का अंदर जो पैसेंजर्स था वो भी रेस्ट पे था, दोनों का रेस्ट मतलब स्टेबल था. फिर बस अगर सडनली मूव करना शुरू कर देते हैं तो उसका अंदर जो पैसेंजर्स है वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है. तो इसका जो बॉडी का नीचे का पार्ट है वो बस के सीट के साथ अटैच होने के वजह से जो नीचे का पोर्शन है वो इनर्शिया ऑफ मोशन मिल जाता है उसको बहुत ही जल्दी, लेकिन ऊपर का जो पोर्शन है उसको इनर्शिया ऑफ मोशन मिलने का थोड़ा टाइम चाहिए होता है, और उसी टाइम में बस आगे की तरफ चला जाता है. तो लोग तो ऐसे बैठा हुआ है और नीचे का बॉडी सामने की तरफ चला जाता है और ऊपर का पोर्शन वही रह जाता है, और जैसे कि हम लोग पीछे की तरफ झुक गया है या फिर हम लोग फॉल्स बैकवर्ड पीछे की तरफ गिर गया है. ठीक है, समझ में आएगा, ये होता है इनर्शिया ऑफ मोशन और रेस्ट की वजह से. ठीक है, तो फोर्थ वाला क्वेश्चन होगा कि डिराइव न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फ्रॉम हिज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, मतलब न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो हम लोगों को डिराइव करना है उसी का ही सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से. तो कैसे हम लोग डिराइव करेंगे, तो न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या था, F equals to m. ठीक है, अगर कोई सिस्टम या कोई सिचुएशन पे हम लोग एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते हैं, मतलब तब क्या होगा, F equals to zero होगा. तो F equals to zero होने से क्या होगा, ma equals to zero होगा, मतलब ma equals to zero तो a equals to zero because m not equal to zero. कोई ऑब्जेक्ट का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा अगर हम लोग कोई फोर्स अप्लाई नहीं करते. तो एक्सेलरेशन कब जीरो हो सकता है, सिर्फ दो ही कंडीशन पे जीरो हो जाता है, जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है और नहीं तो ये रेस्ट पे होता है. इस दो कंडीशन पे ही जो हम लोगों का एक्सेलरेशन है वो जीरो हो जाता है, और वही होता है न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ. उसका फर्स्ट लॉ क्या था, हर ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो हमेशा रेस्ट पे ही रहता है, और जो ऑब्जेक्ट मोशन पे है वो हमेशा यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने लगता है. ठीक है, वही होता है उसका फर्स्ट लॉ. तो हम लोग ने डिराइव कर लिया उसका फर्स्ट लॉ कहां से, उसका सेकेंड लॉ मोशन से. ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5. Is large brakes on a cycle or bike or car
वेल मोर इफेक्टिव साइकिल वेल मोर इफेक्टिव देन ए स्मॉलर वन देन ए स्मॉलर वन एक्सप्लेन इज लार्ज ब्रेक्स ऑन साइकिल व्हील मोर इफेक्टिव देन ए स्मॉलर वन एक्सप्लेन तो मतलब साइकिल या बाइक या कार पे कहीं पर भी जब हम लोगों को उसका स्पीड रिड्यूस करना होता है तब हम लोग क्या करते हैं ब्रेक को प्रेस करते हैं तो ऐसा हो सकता है क्या ब्रेक अगर बड़ा होगा ब्रेक अगर साइज में ज्यादा होगा तो ज्यादा मतलब फोर्स मिलेगा और जो गाड़ी है या बाइसाइकिल है वो जल्दी से रेस्ट पे आएगा ऐसा हो सकता है क्या वही हम लोगों का क्वेश्चन है अगर मतलब हम लोग छोटा ब्रेक शू यूज करते हैं तब हम लोगों को कम ब्रेक्स मिलेगा और अगर हम लोग ज्यादा ब्रेक शू बड़ा वाला ब्रेक शू यूज करते हैं तब हम लोगों को ज्यादा ब्रेक्स मिलेगा ठीक है ऐसा हो सकता है क्या तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि हम लोगों को तो पता है जो फ्रिक्शन है वो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है ठीक है मान लो काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन या रोलिंग फ्रिक्शन या स्टैटिक फ्रिक्शन कोई भी फ्रिक्शन मान लो जो है वो सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है फ्रिक्शनल फोर्स में फ्रिक्शनल फोर्स का जो इक्वेशन है एफ इक्वल्स टू क्या होता है म्यू वन तो वो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर ही डिपेंड होता है इस पे एरिया रूल के कोई चीज नहीं है ठीक है तो ये जो है सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंडेंट होता ही नहीं है तो जो फ्रिक्शन है ब्रेक जब उसका व्हील के ऊपर जाके अटैच होगा तो फ्रिक्शन जो होगा तो वो स्मॉल साइज के लिए जितना होगा बड़ा साइज के लिए उतना ही होगा ठीक है तो ये जो है वो गलत है मतलब लार्ज ब्रेक्स के लिए और स्मॉल ब्रेक्स के लिए हम लोग को सेम ही फ्रिक्शन मिलेगा क्योंकि हम लोग सेम फोर्स ही अप्लाई करेगा मतलब जितना मेरा फोर्स है मैं तो उसी फोर्स से प्रेस करूंगा अभी ब्रेक शू बड़ा हो या छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सेम रिटार्डेशन ही हम लोगों को मिलेगा ठीक है फिर छठवां सवाल या सिक्स नंबर जो है वो होगा व्हाई इज इट इजियर टू पुल व्हाई इज इट easier to pull why is it easier to pull than to push than to push a lawn roller मतलब कोई रोलर या कोई जो गाड़ी या कोई ऑब्जेक्ट मान लो कोई भी चीज को हम लोग अगर धक्का देते हैं तब हम लोगों को मतलब मेहनत ज्यादा करना पड़ता है जब हम लोग उसको खींचते हैं तब कम मेहनत करना पड़ता है वाई ठीक है तो इसका मैं फिगर ड्रॉ करके समझा देता हूं मान लो ये एक लॉन रोलर या कोई भी एक ऑब्जेक्ट है अगर हम लोग इसको खींचते हैं तो ऐसे खींचेगा टान देगा इस तरफ और हम लोग अगर इसको पुश करते हैं पुल करते हैं तब इसका हम लोग ऐसे पुल करेंगे और ऐसे पुश करेंगे ठीक है सॉरी गलत हो गया ऐसे पुश करेंगे पुल करेंगे और ऐसे पुश करेंगे ठीक है तो पुल जब करते हैं हम लोग तो उसका दो कंपोनेंट आ जाता है एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल मान लो ये भी एच है ये भी है इसका वेट जो है एमजी टोटली डाउनवर्ड इसका जो वेट है वो भी एमजी डाउनवर्ड और जब पुश करते हैं इसका भी एक एच आएगा हॉरिजॉन्टल और इसका भी एक वी आएगा जो इसी डायरेक्शन पे होगा नीचे की तरफ जब पुश करते हैं तब भी जो है वो नीचे की तरफ काम करेगा जो इसका वेट को इंक्रीज कर देगा तो इसका अपेरेंट वेट बन जाएगा एमजी प्लस भी
और जब हम लोग पुल करते हैं तो इसका इंपेलर बन जाएगा mg माइनस बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जब हम लोग पुल करते हैं कोई ऑब्जेक्ट या रोलर को, तब इसका जो वेट है वो हम लोगों को कम दिखाई देगा, मतलब उसका वेट जो है वो कम हो जाएगा, हम लोगों को आसानी होगी, ठीक है, उसका ओरिजिनल वेट से हम लोगों को कम वेट महसूस होगा। और जब हम लोग उसको पुश करेंगे तब क्या होगा, इसका जो ओरिजिनल वेट है उससे ज्यादा वेट हम लोगों को फील होगा, मतलब उसको ज्यादा वेट हम लोगों को धक्का देके हटाना होगा, तब हम लोगों को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए पुल इज इजियर देन पुश, ठीक है। तो ये हो गया 2 मार्क का 6 क्वेश्चन जो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर बात आगे बढ़ते हैं 3 मार्क के क्वेश्चन पे, मार्क 3। डिस्कस हॉर्स कार्ट मोशन, डिस्कस हॉर्स कार्ट मोशन एंड डिटरमाइन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड डिटरमाइन एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। ये तो हम लोगों ने पहले भी देखा है, हॉर्स कार्ट का जो डिराइवेशन हम लोगों ने देखा था, फिर भी मैं डिस्कस कर देता हूं। मान लेते हैं एक रोड है जहां पर एक गाड़ी है, मतलब कार्ट है, स्मॉल एम मास का, और इसको हॉर्स जो है वो खींच रहा है। तो हॉर्स अपने पैर से इस डायरेक्शन पे फोर्स अप्लाई करेगा और उसको उल्टी डायरेक्शन पे रिएक्शन फोर्स मिलेगा, ठीक है। तो उस रिएक्शन फोर्स का 2 कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। इसका 2 कंपोनेंट होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। अगर हम लोग मान लेते हैं ये हॉर्स जो है वो टी टेंशन से अपने गाड़ी को, मतलब कार्ट को खींच रहा है, तो कार्ट भी उसको टी फोर्स से ही खींचे। तो अगर हॉर्स सामने की तरफ ले जाता है तब फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो उल्टी डायरेक्शन पे काम करेगा, मतलब पीछे की तरफ काम करेगा। तो हॉर्स कब गाड़ी को ले जा पाएगा, जब एच इज ग्रेटर देन टी, ठीक है, जब इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टेंशन से ज्यादा होगा तब हॉर्स सामने की तरफ अपना गाड़ी को ले जा पाएगा, या ये खुद भी सामने की तरफ जा पाएगा। तो यहां पर हॉर्स का मास मान लेते हैं कैपिटल एम, ठीक है। तो यहां पर जो नेट फोर्स है आगे की तरफ वो क्या है, एच माइनस टी, विच इज इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ए क्या है, ए है दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन, ठीक है। दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन हम लोगों ने क्यों पकड़ा है, क्योंकि दोनों कनेक्टेड है, तो कनेक्टेड होने से दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। एज दे आर कनेक्टेड बाय रूप देन देयर एक्सेलरेशन विल बी सेम। तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। अभी बात करते हैं कार्ट की। तो कार्ट कब सामने की तरफ जाएगा, वो तभी जाएगा जब ये टी जो है वो ग्रेटर देन होगा एफ से, ठीक है। उसका सामने की तरफ फोर्स ग्रेटर देन होगा पीछे की तरफ फोर्स, तब ये सामने की तरफ जा पाएगा। तो उसका सामने की तरफ नेट फोर्स क्या होगा, टी माइनस एफ, विच इज इक्वल टू इसका मास इनटू एक्सेलरेशन। इसका मास हम लोगों ने माना था स्मॉल एम, और दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन क्या है, दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन है ए, तो इसका भी एक्सेलरेशन ए है, इसका भी एक्सेलरेशन ए है, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। अभी हम लोग 1 + 2 कर देते हैं तो ये टी टी कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा एच माइनस एफ इक्वल टू एम ए प्लस एम ए। अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम,
एच माइनस एम और ए इक्वल्स टू एच माइनस एम बाई एम प्लस एम, ये हो गया इन लोगों का एक्सेलरेशन। वही हम लोगों को डिराइव करना है, ठीक है। फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, थ्री मार्क का, स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। तो लिनियर मोमेंटम का प्रिंसिपल और कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम का प्रिंसिपल क्या है, अगर हम लोग कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब कोलिशन से पहले जो दो या तीन ऑब्जेक्ट का टोटल मोमेंटम है और कोलिशन के बाद दो या तीन ऑब्जेक्ट या उससे ज्यादा ऑब्जेक्ट का जो टोटल मोमेंटम है वो इक्वल होना, ठीक है। मतलब जैसे कि हम लोग मान लेते हैं ये मास m1 है, ये मास m2 है, दोनों का इनिशियल वेलोसिटी u1 u2, हियर u1 ग्रेटर देन u2, तो u1 ज्यादा होने से ये जाके m2 को धक्का मारेगा। मतलब यहां पर मान लेते हैं दोनों में कोलिशन हुआ है, इसका मास m1 मास m2, फिर दोनों का वेलोसिटी हो गया v1 एंड v2, मास तो m1 एन एम टू, यहाँ पर वी टू ग्रेटर देन वी वन, क्योंकि वी टू जो है और एम टू जो है वो कोलिशन के बाद धीरे धीरे एम वन से दूर चला जाएगा, दूर चला जाएगा, ठीक है। तो बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वी कैन राइट कोलिशन के पहले ये हो गया बिफोर कोलिशन, ये हो गया ड्यूरिंग कोलिशन, ये हो गया आफ्टर कोलिशन। तो कोलिशन के पहले दोनों का टोटल मोमेंटम है m1 u1 प्लस m2 u2, कोलिशन के बाद m1 v1 प्लस m2 v2, ये है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन बन सकता है वो है कि थर्ड नंबर क्वेश्चन, डिराइव एन डिराइव लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, डिराइव लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम द न्यूटन्स थर्ड लॉ मोशन। तो ये जो लॉ है वो हम लोगों को डिराइव करना है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से। तो इसका फिगर ऊपर में जो फिगर है वही होगा। तो कोलिशन के टाइम पे ये एम वन मान लेते हैं एफ फोर्स अप्लाई किया है एम टू के ऊपर एक्शन करके, तो ये जो है एफ डैश फोर्स अप्लाई करेगा एम टू एम वन के ऊपर। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या था, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। दैट मीन्स एफ इक्वल्स टू माइनस एफ डैश। अगर इन दोनों का कोलिशन का टाइम टी होता है, मतलब टी टाइम इन लोगों ने कोलिशन क्या है, तो बोथ साइड से हम लोग टी से मल्टीप्लाई करते हैं एफ इंटू टी इक्वल टू माइनस एफ डैश इंटू टी।
और एफ इंटू टेक क्या होता है, एफ इंटू टी होता है इम्पल्स, तो ये होगा आई, ये होगा माइनस आई डैश। और इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो पहला मास का जो मोमेंटम है वो कितना चेंज हुआ है, उसका था एम वन यू वन, फिर उसका हुआ है एम वन वी वन, माइनस सेकेंड मास का है एम टू यू टू, उसका हुआ है एम टू वी टू, इतना चेंज हुआ है, ठीक है। तो अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एम वन यू वन माइनस एम वन वी वन इक्वल्स टू एम टू वी टू माइनस एम टू यू टू। इसको अगर हम लोग थोड़ा एम वन को उस तरफ ले जाते हैं तो एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू इक्वल्स टू एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, और ये होता है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो हम लोगों ने कहां से शुरू किया था, एक्शन एंड रिएक्शन से, और हम लोग कहां पहुंच गए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के। तो हम लोगों ने डिराइव करके दिखा दिया है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। फिर देखते हैं कि फोर्थ सवाल जो है क्या है, फोर्थ सवाल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सा सवाल है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, derive an expression for the acceleration of the body sliding down, sliding down on a rough horizontal surface, ठीक है। इसका expression हम लोगों को derive करना है, तो पहले हम लोग इंक्लाइंड प्लेन एक ड्रॉ कर लेते हैं, मान लेते हैं इंक्लाइंड प्लेन है जो ये इंक्लिनेशन एंगल है, ठीक है। ये इंक्लिनेशन एंगल जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, ठीक है। इंक्लिनेशन एंगल जो है वो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, तब क्या होगा, ये जो ब्लॉक है ये अपने आप नीचे की तरफ आ जाएगा। तो नीचे की तरफ वो कितना एक्सेलरेशन से आता है वही हम लोगों को डिराइव करना है। तो इसका मास मान लेते हैं एम है, तो वेट एम जी नीचे की तरफ, ब्लॉक नीचे की तरफ आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा, ये थीटा होने से ये थीटा होगा, ये हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा, और ये होगा नॉर्मल रिएक्शन आर, ठीक है। तो ब्लॉक जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब उसका रिजल्टेंट फोर्स नीचे की तरफ है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या है, एफ इक्वल्स टू एम जी नीचे का फोर्स साइन थीटा माइनस ऊपर का फोर्स एफ, और वहां पर जो आर है वो एम जी कॉस थीटा के साथ इक्वल है। तो एफ इक्वल्स टू क्या होता है, एफ इक्वल्स टू होता है स्मॉल एफ इक्वल्स टू फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो होता है म्यू आर, दैट मीन्स mg sin theta minus mu mg cos theta, यहां से हम लोग mg कॉमन ले लेते हैं तो sin theta minus mu cos theta, और f जो है फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एम ए होता है, तो एम एम कैंसल हो जाएगा, जो a है वो आ जाएगा g into sin theta माइनस म्यू कॉस थीटा, और यही होता है उसका एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, वही हम लोगों को डिराइव करने के लिए बोला है, ठीक है। फिर जो है वो क्वेश्चन नंबर
फाइव क्या हो सकता है? क्वेश्चन नंबर फाइव एक छोटा सा डेरिवेशन है, शो दैट इंपल्स इक्वल्स टू शो दैट इंपल्स इक्वल्स टू चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये बहुत ही छोटा सा सवाल है, ठीक है। तो इंपल्स क्या होता है? इंपल्स होता है आई इक्वल्स टू एफ इंटू टी। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला है इंपल्स जो है वो होता है फोर्स इंटू टाइम, और फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो टी टी कैंसिल हो जाएगा, लिया जाएगा एम इंटू बी माइनस यू, दैट मीन्स एम वी माइनस एम यू। मतलब एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जितना चेंज हुआ है, इसका मान लेते हैं वी है, इसका मान लेते हैं यू है, मास मान लेते हैं एम है, तो उसका चेंज ऑफ वेलोसिटी और मोमेंटम क्या होगा? एम वी माइनस एम यू, दैट इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इंपल्स इक्वल्स टू चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। फिर सिक्स नंबर एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम पे, वो फ्रिक्शन इज नेसेसरी एवी एक्सप्लेन, ठीक है। व्हाट आर वेरियस मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन? व्हाट आर वेरियस मेथड्स फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये पूरा थ्योरी बेस है, क्या करना है हम लोगों को? फ्रिक्शन का एडवांटेज लिखना है, डिसएडवांटेज लिखना है, और हम लोग कैसे फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं वो लिखना है। तो फ्रिक्शन का एडवांटेज क्या है? फ्रिक्शन का एडवांटेज है फ्रिक्शन के वजह से हम लोग चल सकते हैं, फ्रिक्शन के वजह से जो प्लेन्स है वो उड़ सकता है, फ्रिक्शन के वजह से जो रॉकेट्स है वो चल सकता है, और फ्रिक्शन के वजह से हम लोग जो ड्रेस है वो हम लोग जो वेयर कर सकते हैं। और फ्रिक्शन का डिसएडवांटेज क्या है? फ्रिक्शन के वजह से कोई भी मशीन मान लो जो खराब होता है, उसका मेन रीजन होता है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के वजह से बहुत हीट जनरेट होता है, और उस हीट जो है वही मशीन को डैमेज करता है, ठीक है। फ्रिक्शन ज्यादा होने के वजह से हम लोगों को फ्यूल जो है वो ज्यादा लगता है, फ्यूल हम लोगों का लॉस होता है। और वेरियस मेथड्स फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन हम लोग कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? फ्रिक्शन हम लोग जैसे कि लुब्रिकेंट यूज करके, जिस जगह पर फ्रिक्शन होता है वहां पर लुब्रिकेंट मतलब ऑयल या ग्रीस यूज करके फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं। और जो है हम लोगों का कार या व्हीकल्स का जो शेप है वो स्पेशल करके, मतलब उसका आगे के जो मतलब व्हीकल या कोई भी स्पीड में जो चलता है रॉकेट या कार या बाइक का जो सामना का जगह है उसको मतलब थोड़ा ऐसा करके, और उसका पीछे का जो साइड है उसको थोड़ा मोटा करके, और सामने का जो है वो पतला करके हम लोग फ्रिक्शन रिड्यूस कर सकते हैं, और बॉल बियरिंग यूज कर सकते हैं या रोलर बियरिंग यूज कर सकते हैं फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का सिक्स क्वेश्चन थ्री मार्क का, जो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा है एग्जाम के लिए। तो ये सब
अच्छी तरह से पढ़ो और अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो तो शायद से कुछ मार्क आ जाएगा एग्जाम में। तो आज के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टाटा।